जब भी स्नैक करने की बात आती है ना, तो हमें कुछ ना कुछ चिटर पुटर चाहिए होता है, और ऑप्शन जो है काफ़ी बार लिमिट हो जाती हैं, और काफ़ी बार आधी रात को हमको ये तड़प मचती है कि कुछ तो स्नैक करने के लिए मिल जाए। ये परफेक्ट स्नैक है, देसी हमारी मूंगफली। उससे मैं बनाने वाला हूँ कुरकुरी पीनट्स। चटपटी बनेगी, मसालेदार बनेगी और कुरकुरी बनेगी। तो यही है मेरी आज की रेसिपी। वेलकम टू दिल से देसी। मैं हूं आपका शेफ कपिल, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। कुरकुरी पीनट्स बनाने के लिए यहाँ पे हम छिलके वाली मूंगफली ले लेंगे और उसे डाल देंगे एक बोल में। एक क्विक बैटर बनाना है जो इसको कोट करेगा, और बैटर बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए और कैसे बनेगा वो आप देखते रहो। अच्छा जी, इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूंगा बेसन। बेसन के अंदर काफ़ी बार लम्स होते हैं, गुठलियाँ होती हैं, तो बेटर है कि आप छान के डालो। बेसन के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगा कॉर्नफ्लावर। आप चाहो तो अरारोट भी ले सकते हो। तो ये गया कॉर्नफ्लावर इसके अंदर। कुरकुरी है ना, तो कुरकुरा मज़ा डबल करते हैं। इसके अंदर जाएगा चावल का आटा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक डाल देंगे, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, तो मैं ज़रा सी इसमें डाल दूंगा हींग, बिल्कुल ज़रा सा काला नमक, और ये है सूखा हुआ पुदीना। तो हींग पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, तो ये थोड़ा सा मैं डालूंगा क्योंकि थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ये। और उसके साथ धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को पहले आपको बिना पानी डाले हुए अच्छे से मिक्स करना है मूंगफली के साथ, और जैसे आपको लगेगा कि पानी की इसको थोड़ी बहुत ज़रूरत है तो आप पानी इसमें छिड़कते हुए डालना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, मूंगफली के ऊपर अच्छे से कोट होना चाहिए बैटर। और साथ में मैं गैस ऑन कर देता हूँ, और कढ़ाई में मैंने तेल रखा है गर्म होने के लिए, और तेल को मुझे मीडियम गर्म करना है, उसके बाद ही हम इन पीनट्स को तलेंगे। आप देख सकते हो पीनट्स के ऊपर किस तरीके से बैटर जो है वो कोट हुआ है, बिल्कुल लूज भी नहीं है, बिल्कुल बह भी नहीं रहा है, इसी तरीके से हमें चाहिए। तो अब तेल गर्म हो चुका है, बट एक टेस्टर हम कर लेते हैं। एक मूंगफली का दाना लेंगे और डाल के देखेंगे। कुछ सेकंड्स ले रहा है ऊपर आने में, तो एक मिनट और गर्म होने देते हैं, फिर उसके बाद बैचेस में और मूंगफली के दानों को खोल खोल के हम यहाँ पे फ्राई करना शुरू करेंगे। हम मेके करके बैचेस में फ्राई करेंगे, क्योंकि क्या होगा अगर आप सारी की सारी पीनट्स डाल दोगे एक ही बार में तो तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तो फिर मूंगफली जो है वो बहुत ज़्यादा तेल पी लेगी और कुरकुरी नहीं बनेगी, तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, ये एक मिनट हो गया है, अब इसको आप हल्का सा चलाना, और इसे लग जाते हैं 5-6 मिनट लगेंगे अच्छे से मीडियम फ्लेम के ऊपर मुझे इनको फ्राई करना है, तब तक ये कुरकुरी नहीं हो जाती, इनका जो रंग होगा ना वो अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो इसके जो बबल्स हैं ना वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, इसका मतलब मॉइस्चर जो है वो उड़ चुका है और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब इसे निकाल लेते हैं एक पेपर डाल के ऊपर। और गरम गरम पीनट्स को तेल में से निकालने के बाद काला नमक ये छिड़क देंगे, बट गरम गरम के ऊपर ही, क्योंकि जब आप गरम गरम के ऊपर स्प्रिंकल करते हो ना तो मसाले जो हैं वो चिपक जाते हैं अच्छे से। उसके अलावा अमचूर या फिर चाट मसाला और रेड चिली पाउडर, बस ये मसाले डाल के मिक्स कर देंगे, और हमारी जो कुरकुरी पीनट्स हैं वो खाने के लिए, चाय के साथ स्नैक्स के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर हमारी मॉनसून स्पेशल चाय के लिए जो परफेक्ट अकम्पनीमेंट है, कुरकुरी पीनट्स बनकर तैयार है। आप भी बनाओ, मेरे साथ फीडबैक शेयर करना कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी।
और इसी तरीके की चटाकेदार रेसिपीज लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ कपिल। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।